किसी भी फिल्म का रिव्यू देने का मकसद किसी के महीनों और बरसों की मेहनत पर पानी फेरना या फिर किसी के टैलेंट पर उंगली उठाना नहीं है। हम फिल्म का रिव्यू सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि आपका कीमती समय और पैसा बच सके। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों की कमी बिल्कुल नहीं है तो आप जाके कोई भी फिल्म थिएटर में देख सकते हैं। हमारे रिव्यू से फिल्म बनाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फिल्म देखने जाओगे या नहीं, इससे फिल्म बनाने वालों को और इंडियन सिनेमा को जरूर फर्क पड़ता है। वैसे तो हमारे एक्शन हीरोज को फिल्मों में अपने हाथों पर कभी काबू नहीं होता है, पर इस फिल्म में कहानी थोड़ी अलग है। सो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं इस हफ्ते टीवी और यूट्यूब पे आने वाली फिल्म सव्यासाची का। तो वैसे इस फिल्म का जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर है आज रात यानी कि 25 मई की रात को होने वाला है, पर क्योंकि आज रात को ही सीतारामा कल्याणा भी आने वाली है जिसका रिव्यू 26 मई को आएगा, और जैसा कि हमें लग रहा है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आज रात को हमें दो बड़ी साउथ की हिंदी डब फिल्मों की कंफर्म रिलीज डेट भी देखने को मिल जाए। तो ऐसा मान लीजिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें करीब करीब चार वीडियो शायद बनाने पड़ सकते हैं। तो पिछली बार की तरह एक एक घंटे के अंतराल में हमें वीडियो ना बनाना पड़े और नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम्स ना हो, इस वजह से हमने डिसाइड किया है कि सव्यासाची का रिव्यू हम फिल्म के तेलुगु वर्जन को देख के देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हो और आप भी चाहते हो कि आपको मिलती रहे हर नई साउथ के हिंदी डब फिल्म की रिव्यूज और अपडेट सबसे तेज और सबसे पहले, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आपको देते हैं सव्यासाची फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू। सव्यासाची, ये 2018 में आई एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसमें लीड रोल में हमें नजर आएंगे नागा चैतन्य, निधि अग्रवाल, भूमिका चावला, और नेगेटिव रोल में हमें नजर आएंगे आर माधवन। बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो जैसा कि आपने फिल्म के तेलुगु ट्रेलर में ही देख लिया होगा कि इस फिल्म में नागा चैतन्य को अपने लेफ्ट हैंड पर काबू नहीं रहता है। एक्चुअली में इसके पीछे की जो असली वजह है वो है वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम। अब वो क्या है ये आप फिल्म में देखिएगा। अब फिल्म की शुरुआत में नागा चैतन्य एक बस में सफर कर रहे होते हैं और उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और बस में सवार सभी यात्री मर जाते हैं सिवाय नागा चैतन्य के, यानी कि विक्रम के। अब मौत के मुंह से बचने के बाद विक्रम अपने घर जाता है और एक हंसी खुशी भरी जिंदगी जी रहा होता है। फिर एक दिन विक्रम के लाइफ में एंट्री होती है आर माधवन की, और अचानक से विक्रम से उसका सब कुछ छिन जाता है। अब आर माधवन कौन है और वो क्यों ऐसा सब कर रहा है और क्या दुश्मनी है उसके विक्रम से, यही आपको इस पूरी फिल्म की कहानी में देखने को मिलने वाला है। तो उससे तो ये बात फिल्म की स्टोरी लाइन की, अब आई बात करते हैं फिल्म के कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स के बारे में। तो सच बताऊं तो जब फिल्म का तेलुगु ट्रेलर रिलीज हुआ था और ट्रेलर रिलीज होने के बाद जब पता चला था कि ये फिल्म वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम नाम के टॉपिक के ऊपर बन रही है, तो सही में मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि लगा कि हाँ, बहुत दिनों बाद फिर से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कोई बहुत अच्छी और एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म आ रही है जहां पर बहुत ही अच्छा कोई रिसर्च के ऊपर करने के बाद एक फिल्म बनाई गई होगी। और सच बताऊं तो फिल्म के शुरुआती एक घंटे या फिर कहें फिल्म के 45 मिनट, फर्स्ट हाफ के 45 मिनट पूरी तरह से बर्बाद किए गए हैं सिर्फ एक लव स्टोरी के पीछे, जिसका फिल्म की स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि फिल्म के फर्स्ट हाफ में आपको अच्छी कॉमेडी देखने को जरूर मिलेगी, पर यह कंटेंट बेस्ड फिल्म हो सकती थी जिसे एक रूटीन फिल्म बना दिया गया। फिल्म की स्टोरी अच्छी थी पर फिल्म का जो स्क्रीन प्ले था उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ दिख रही थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि विक्रम जबकि बहुत ज्यादा परेशानी में है और वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, फिर पता नहीं क्यों निधि अग्रवाल यानी कि चित्रा को अपने कॉलेज ड्रामा के बारे में याद आ जाती है और वो उसे याद करती है, जिसके वजह से फिल्म में एक्स्ट्रा 10 मिनट ऐड हो जाते हैं जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं होता है और फिल्म और ज्यादा स्लो नजर आने लगती है। फिल्म का जो असली मजा है वो सेकेंड हाफ में है, जहां पे आपको कुछ दमदार एक्शन सीन्स के साथ आर माधवन के लाजवाब एक्टिंग भी देखने को मिलेगी। सेकेंड हाफ में जैसे ही आर माधवन अपना खेल शुरू करते हैं तो फिल्म में इंटरेस्ट अचानक से बनने लगता है, और मैं कहूंगा कि आर माधवन इस फिल्म की असली जान है। उनकी एक्टिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी आपका इस फिल्म में इंटरेस्ट बनाए रखती है, जिसकी वजह से फिल्म देखने में हमें थोड़ा और मजा आता है। फिल्म के आखिरी के 30 मिनट बहुत ही अच्छे हैं, जहां पर हमें दमदार एक्शन के साथ एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा। वैसे मुझे पता नहीं कि हिंदी वर्जन में क्या होगा, पर मैं आपको बता दूं कि तेलुगु वर्जन में जो सव्यासाची का टाइटल ट्रैक है वो बहुत ही सॉलिड है, जो हर एक एक्शन सीन को और मजेदार बनाता है। बात करें इस फिल्म में सभी कास्ट परफॉर्मेंस की, तो आर माधवन ने इस फिल्म में एक्टिंग डिपार्टमेंट में हर किसी को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा नागा चैतन्य ने भी अपने रोल को ठीक तरीके से निभाया है और भूमिका चावला का रोल भी अच्छा है। निधि अग्रवाल का
इस फिल्म में कोई भी अहम रोल नहीं है, फिर भी उन्हें इस फिल्म में शुरुआती 40 मिनट दिए गए हैं। दोस्तों तो की बात फिल्म के प्लस और माइनस पॉइंट्स की, अब आइए देते हैं आपको इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट। तो एक लाइन में कहा जाए तो सव्यसाची एक वन टाइम वॉच एक्शन फिल्म है, जो कि एक हटके एक यादगार फिल्म हो सकती थी, पर इसे एक साधारण सी रिवेंज ड्रामा फिल्म बना के रख दिया गया था। ये फिल्म उन्हीं लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो फिल्म के आखिरी के 30 मिनट को देखने के बाद फिल्म की सभी कमियों को भूल जाएंगे, अदरवाइज ये फिल्म आपको काफी ज्यादा निराश कर सकती है। फिर भी अगर आपके पास देखने के लिए कोई फिल्म नहीं है तो आप इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हो। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।